Hello everyone, welcome to the my channel which is Learning Institute and today I am going to discuss some numerical problem on Compton effect. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे न्यूमेरिकल्स लगभग हो चुके थे, तो अब हम थोड़ा सा Compton के कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन. एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 1 angstrom आर स्कैटर्ड एट सच एन एंगल. जो एक्सरे है उसका वेवलेंथ कितना है 1 angstrom, यानी लेमडा का मान है 1 angstrom आर स्कैटर्ड एट सच एन एंगल दैट द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन हैज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो इस तरीके से स्कैटर्ड होता है, इस एंगल पे स्कैटर्ड होता है कि वो मैक्सिमम एंगल कैरी करता है जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो उस एंगल पे जहाँ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रखता है वो कौन सा एंगल है Compton में, हमने पढ़ा था वो 180 डिग्री है. याद होगा जब हम निकाले थे डेल्टा लेमडा के लिए एक्सप्रेशन, तो आया था एच अपॉन एम नॉट सी 1 cos θ. तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग कब होती थी या शिफ्टिंग सबसे ज़्यादा कब मिलता है, जब थीटा की वैल्यू होती है 180, क्योंकि ये 2 times हो जाता है, 2 times एच अपॉन एम नॉट सी, ठीक है. और इसकी वैल्यू कुछ आती है 0.0486 angstrom के बराबर. यानी कि जिस समय इलेक्ट्रॉन हमारा रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रखेगा उस समय चेंज इन वेवलेंथ कितना होगा, चेंज इन वेवलेंथ हो जाएगा हमारा डेल्टा लेमडा इक्वल टू 0.0486 angstrom. तो और डेल्टा लेमडा क्या है, डेल्टा लेमडा होता है लेमडा डैश माइनस लेमडा, यानी स्कैटरिंग वेवलेंथ, स्कैटर्ड वेवलेंथ माइनस इंसिडेंट वेवलेंथ. और ये जो लेमडा दिया हुआ है ये क्या है, ये इंसिडेंट वेवलेंथ. तो हमें बताना है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड रेज. तो जो वेवलेंथ है स्कैटर्ड रेज का वो कितना होगा, लेमडा डैश हो जाएगा डेल्टा लेमडा प्लस लेमडा. यही तो है वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज, ठीक है. लेमडा डैश इक्वल टू डेल्टा लेमडा प्लस लेमडा. डेल्टा लेमडा क्या है 0.0486 एंड प्लस 1 एक्सरे का एंगस्ट्रॉम. तो ये हो जाएगा 1.0486 angstrom. तो ये हमारा एक आंसर हो गया 1.0486 angstrom, ठीक है. इसके बाद हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा इंसिडेंट फोटोन था उसकी एनर्जी एच न्यू है, और स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू डैश, और प्लस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन. याद कीजिए ये इंसिडेंट फोटोन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है जो रिक्वायर करता है काइनेटिक एनर्जी, और ये स्कैटर्ड फोटोन. ये एक तरह से इंसिडेंट फोटोन. ऐसा तो हम ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं एच न्यू इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन. तो हम काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारा होगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, या एच न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू को लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा डैश. यहाँ पे लेमडा डैश हो जाएगा, यहाँ से हम चाहें तो एच सी को कॉमन ले लें, ये सिंपली हो जाएगा 1 upon lambda minus 1 upon lambda dash, ठीक है. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एस सी हो जाएगा और ये हो जाएगा लेमडा डैश माइनस लेमडा अपॉन
लेमडा और लेमडा डैश, ये है हमारी एनर्जी रिक्वायर इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। तो एच सी यानी 6.63 इंटू 10⁻¹⁴ और सी होता है 3 × 10⁸ और जो डेल्टा लेमडा ये क्या है, लेमडा डैश माइनस लेमडा इज नथिंग बट डेल्टा लेमडा और डेल्टा लेमडा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0.0486 तो ये हो जाएगा 0.0486 और अपॉन में लेमडा और लेमडा डैश, लेमडा क्या है 1 एंगस्ट्रॉम और लेमडा डैश ये है, सो 1 × 1.0486 एंगस्ट्रॉम। इसको हम मीटर में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 10⁻², ये भी एंगस्ट्रॉम में, ये भी एंगस्ट्रॉम में, दोनों को चेंज करेंगे तो इतना हो जाएगा। और चूंकि काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं तो हम यहाँ पे कुछ और डिवाइड करेंगे 1.6 × 10⁻¹⁹, तो हम एक टर्म और इंटू कर लेते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹, तो हम इसी को बना लेते हैं या यहाँ लिख लेते हैं 10⁻¹⁹। तो ये बड़ा सा एक्सप्रेशन हो गया जिसको हमें सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे इसके पावर वगैरह को मैनेज करके तो उसका रिज़ल्ट दे देते हैं। ये कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हो, इतना कोई कठिन चीज़ नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 5475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ये कैलकुलेशन है, बहुत कठिन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हम सबने कराए हैं। पहले इसके पावर को हम मैनेज कर लेंगे, यहाँ -20 और -13 है, 19 है तो ये 39 हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा पावर, तो कुछ है इतना ही आएगा 575 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे जो दोनों क्वेश्चन है, एक वेवलेंथ हमें बताना था और दूसरा एनर्जी ऑफ रिक्वायर इलेक्ट्रॉन, तो ये रहा और दूसरा ये है। तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंट्रेंस में भी और बीएससी में भी। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं क्वांटम के ऊपर। तो गामा रेज ऑफ एनर्जी 0.88 MeV इज मेड टू फॉल ऑन अ सीट ऑफ एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन में जो गामा रे है उसकी एनर्जी 0.8 MeV है, उसको हम फॉल करा रहे हैं सीट ऑफ एल्युमिनियम के ऊपर, एल्युमिनियम सीट के ऊपर। तो हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ रिक्वायर क्वांटम इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें इंसिडेंट एनर्जी एक तरह से जो एच न्यू है यही दिया हुआ है 0.88 MeV। ठीक है, इसी को हम फॉल करा रहे हैं एल्युमिनियम सीट के ऊपर। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं 0.88 × 1.6 × 10⁻¹³ जूल। ठीक है, जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं वो एनर्जी को कन्वर्ट करके करेंगे और लास्ट में जो रिजल्ट बताते हैं उसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, यहाँ हमें बताना है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ रिक्वायर इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर इलेक्ट्रॉन की तभी होगी जब यहाँ भी थीटा का मान क्या हो 180 डिग्री। सो हम लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम एनर्जी ऑफ रिक्वायर इलेक्ट्रॉन थीटा होगा 180 डिग्री, तो डेल्टा लेमडा क्या हो जाएगा, डेल्टा लेमडा हो जाएगा हमारा एच अपॉन एम नॉट सी 1 − cos 180 और ये हो जाएगा 2 times एच अपॉन एम नॉट सी और इसकी वैल्यू होती है 0.0486 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हम सेम उसी फार्मूले से जाएंगे, ये होता है एच न्यू माइनस एच न्यू डैश
एच कॉमन ले लें तो न्यू न्यू मीन्स सी बाई लेमडा और ये हो जाएगा सी बाई लेमडा डैश। ठीक है, हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर डेल्टा लेमडा हमें पता है तो डेल्टा लेमडा होगा लेमडा डैश माइनस लेमडा, या यहाँ से तो कुल मिला के हमें उस टर्म में चेंज करना ही पड़ेगा। तो इस एनर्जी से हम पहले लेमडा निकालेंगे, तो चलिए पहले वही करते हैं। तो चूँकि हमें एच न्यू का मान पता है 0.88 × 10⁻¹⁶, तो ये हो जाएगा एच सी बाई लेमडा इक्वल टू 0.88 × 10⁻¹⁶, यहाँ से लेमडा की वैल्यू हो जाएगी लेमडा इक्वल 6.63 × 10⁻¹⁾ × 3 × 10⁸ और अपॉन में 1.6 × 0.88 × 10⁻¹⁶। ठीक है, यहाँ से हमें लेमडा मिलेगा, फिर हम इस इक्वेशन को यूज़ करके लेमडा डैश निकाल लेंगे, फिर हमारा सेम इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा एच सी बाई लेमडा और ये एच सी बाई लेमडा डैश, एच सी हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा लेमडा डैश माइनस लेमडा अपॉन लेमडा लेमडा डैश, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हुआ है। ठीक है, तो लेमडा यहाँ से हमें मिलेगा, तो ये कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 339 और ये 18 × 19 × 10⁻¹⁶ और ये हो जाएगा 1.6। अगर हम इंटू करेंगे 0.88 से तो हो जाएगा 1.46 कुछ इस तरीके से इंटू 10⁻¹⁶। तो जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा हमारा, ये लगभग 1.5 जैसा है और ये लगभग 20 है, तो करीब करीब लेमडा की वैल्यू हमको मिलेगी 14.1 हो जाएगा 14.1 × 10⁻¹⁶, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा −13 मीटर। ये हो जाएगा सिंपली 0.0141 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, लेमडा को हम कन्वर्ट करेंगे एंगस्ट्रॉम में तो हमें मिलेगा 0.0141 एंगस्ट्रॉम। तो लेमडा डैश हो जाएगा डेल्टा लेमडा प्लस लेमडा, सो इक्वल टू 0.0486 प्लस 0.0141, तो ये आएगा 7.0627 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लेमडा डैश हो गया 0.0627 एंगस्ट्रॉम। अब हमें क्या क्या पता है, यहाँ पे हमें लेमडा डैश मिल गया और लेमडा की वैल्यू पहले से ये हमने निकाल रखा है, ये लेमडा है। ठीक है, यहाँ पे एच और सी हमें पता ही है, लेमडा डैश और लेमडा दोनों यहाँ से हम पुट कर लेंगे और डेल्टा लेमडा डैश माइनस लेमडा तो डायरेक्ट हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ये क्या है, यही है लेमडा डैश माइनस लेमडा, तो इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते थे एच सी इंटू डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा लेमडा डैश। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। तो जो मैक्सिमम एनर्जी आएगी इसके, हम इसका रिज़ल्ट अब हम लिखेंगे, आगे कैलकुलेशन आप खुद से करिए। सो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि काइनेटिक एनर्जी के ही फॉर्म में होगी, वो आएगी, वहीं से फाइंड करेंगे। तो एच सी अपॉन लेमडा लेमडा डैश इंटू डेल्टा लेमडा,
तो सभी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये लास्ट रिजल्ट में मिलेगा 0.682 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या सिंपली इसको हम लिख सकते हैं 0.682 MeV। ठीक है, तो ये है आंसर 0.682 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रहा क्वेश्चन कुछ कॉम्प्टन इफेक्ट के ऊपर। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन आप बुक से भी कर सकते हैं और थोड़ा सा ही इधर उधर करके क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन पूछे तो हमेशा ध्यान दीजिए कि वहाँ थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी अपने आप बिना दिए हुए, या मैक्सिमम स्कैटरिंग कब होगी, या जो वेवलेंथ का शिफ्टिंग आता है कॉम्प्टन शिफ्ट में वो सबसे ज़्यादा कब होगा, तो वो थीटा जब 180 डिग्री होता है तभी होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।